स्वास्थ्य क्रांति की जो गारंटी हमने दी थी उसमें मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में, उस मॉडल पे हमने आम आदमी क्लिनिक पंजाब में बनाए। 664 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं। हमारा सपना भी था और हमारी गारंटी भी थी, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ अरविंद जी कर चुके हैं, इसलिए उस मॉडल को हम थोड़ा और भी मॉडिफाई कर देते हैं। पंजाब के लगभग 80% हॉस्पिटल जो हैं उनको मॉडर्न, अपग्रेडेड और बिल्कुल समय के हानि बना देते हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अज पटियाला विखे पहुंचे, जिथे माता कौशल्या हस्पताल के नवीनीकरण का नींह पत्थर रखा। दस दिए कि इस नाल पंजाब के 14 सरकारी जिला हस्पतालों नूं अपग्रेड करन दा काम भी पटियाला तो शुरू होया है। 1906 विच स्थापित सरकारी माता कौशल्या हस्पताल नूं माडल हस्पताल बनाया जाएगा, क्योंकि इत्थे रोजाना 1500 के करीब मरीज ओपीडी विच आउंदे हन। यह हस्पताल लगभग 20 लाख की आबादी नूं मैडिकल सेवावां प्रदान करता है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अज तो असी अपनी सेहत क्रांति वाली गारंटी नूं होर अगे वधाउंदे आं। 550 करोड़ रुपए की लागत नाल पंजाब दे हस्पतालां नूं अपग्रेड करन दी मुहिम दी शुरुआत कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्रांति की जो गारंटी हमने दी थी उसमें मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में, उस मॉडल पे हमने आम आदमी क्लिनिक पंजाब में बनाए। 664 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, उसमें 55 लाख के करीब अभी तक लोग आके ठीक होके घरों में जा चुके हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PHC जो कस्बों में, छोटे कस्बों में डिस्पेंसरीज हैं, अभी उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। 550 करोड़ रुपए का आज हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जैसा कि आपने इस हॉस्पिटल में देखा है, अलग अलग स्पेशलिस्ट वार्ड बने हैं। छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी में अगर कोई बीमार है, जॉन्डिस वगैरह हो गया, उसके लिए अलग से उनका इलाज जो है, खेलने के लिए, और जो मरीज के साथ आते हैं उनका भी कोई उनको दिक्कत ना आए। तो ये हमारा सपना भी था और हमारी गारंटी भी थी, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ अरविंद जी कर चुके हैं, तो इसीलिए उस मॉडल को हम थोड़ा और भी मॉडिफाई कर देते हैं। इनको दिल्ली में बहुत दिक्कतें आई वो करने में, दिल्ली में आपको पता ही है कैसे काम जो है चलता है। तो इसलिए आज अरविंद जी आए हैं कि हमारा स्वास्थ्य की क्रांति का जो देना है आज बहुत बड़ा देना है हमारे लिए, ताकि आने वाले 6-7 महीने में हम पंजाब के लगभग 80% हॉस्पिटल जो हैं उनको मॉडर्न, अपग्रेडेड और बिल्कुल समय के हानि बना देंगे। कि घर में कोई बीमार होगा तो उसका पूरा इलाज, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन सब कुछ अच्छे से अच्छा कराएंगे और फ्री कराएंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे। तो पिछले एक साल के अंदर 650 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बन चुके पंजाब में। तो अब अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, खांसी, जुखाम, बुखार वगैरह कुछ है, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अब फोकस है सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे, जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनका सबका बहुत बुरा हाल था। जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ICUs नहीं है यहाँ पे। तो अब ICUs भी बन रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर्स भी बन रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी आ रही हैं, और पूरा एक रेनोवेशन पूरा हॉस्पिटल का किया जा रहा है। तो अमीरों को जैसा इलाज मिलता है, गरीबों को भी वैसा ही इलाज मिलना चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ फ्री होगा। तो एक तरह से 3 करोड़ पंजाब के लोगों को एक तरह से हेल्थ चक्र मिल रहा है, स्वास्थ्य का चक्र मिल रहा है, कि अगर घर में कोई भी बीमार होता है तो आपको चिंता कर, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आज ये पहला है, ये एक पायलट था। अब पैरेलली जैसे मान साहब ने बताया कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लगभग आज फेज 1 में 40 हॉस्पिटल्स का कायाकल्प करने का प्लान है ये 550 करोड़ रुपए में। माता कौशल्या हस्पताल का नींह पत्थर रखने तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पटियाला विखे बड़ी रैली नूं संबोधन किया। जिक्र कर दिए कि पंजाब सरकार तो नाराज कंप्यूटर अध्यापकों ने सरकार खिलाफ तिखा संघर्ष करने का फैसला किया है। कंप्यूटर अध्यापकों ने सोमवार नूं पटियाला विच होने वाले राज पद्धरी समागम विच काले झंडे दिखा के रोस प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस दे मद्देनजर भारी गिनती विच पुलिस फोर्स तैनात की गई है। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी,
ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਧਰਮ, ਧਰੋਹਰ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ। ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।